आज देश के गृह मंत्री दिल्ली आए थे, एक फर्जी सा उद्घाटन करने आए थे वो। हमने उनसे बड़ी विनती की, दिल्ली वालों ने बड़ी विनती की कि आप आइए, और भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर कूड़े के पहाड़ तैयार किए हैं उसके ऊपर एक आप विजिट करिए, वो आप देख के जाइए। हम सारे लोग सुबह से भलसवा लैंडफिल साइट पे, जो भलसवा में कूड़े का पहाड़ है, वहाँ पे उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं आए। ये कूड़े के पहाड़ किसने बनाए? दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है कि ये कूड़े के पहाड़ बीजेपी ने बनाए। 17 साल से एमसीडी बीजेपी में है, एमसीडी में बीजेपी है 17 साल से, और 17 साल से भारतीय जनता पार्टी के ने दिल्ली को ये गिफ्ट दिया, दिल्ली के अंदर ये ताजमहल बनाए, 3 कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बनाए। और अभी इनका नया नया नोटिफिकेशन आ रहा है कि दिल्ली के अंदर ऐसे 16 और कूड़े के पहाड़ तैयार करेंगे। ये कूड़े के पहाड़ साफ करने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई आज तक। कूड़े को किस तरह से साफ करना, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो भी पैसा मिला वो पैसा खाती चली गई। इनसे पूछा गया, अभी अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमें 3 साल और दे दीजिए कूड़े के पहाड़ साफ करने के लिए। क्यों दे भाई, 17 साल कम होते हैं कूड़े के पहाड़ साफ करने के लिए? 17 साल में तो आपने दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद कर दी। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं, और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आप निर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। आज कुछ लोगों ने निवेदन किया है कि चुनाव के कारण ये प्लांट का उद्घाटन हो रहा है। अब जिनको समझ नहीं है भाई, इसको क्या समझाए, ये प्लांट का उद्घाटन है, भूमि पूजन नहीं है। और उद्घाटन तब होता है जब 1.5-2 साल पहले इसकी बनाने की शुरुआत होती है।